उत्तर प्रदेश में भले ही जुए और सट्टे का कारोबार चोरी छुपे चलता है, लेकिन कासगंज जिले के शोरों में यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। सटोरियों को पुलिस का भय नहीं सता रहा, कहीं ना कहीं यह लग रहा है यह कारोबार पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, उसके बाद पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने कार्रवाई की बात की है। आपको बता दें कि कहने को तो भगवान वराह की तीर्थ नगरी सोरों में एक नहीं अनेकों देवों की नगरी है। इस तीर्थ नगरी की सुरक्षा की कामना सोरों के कोतवाल रविंद्र बहादुर सिंह के ऊपर है, लेकिन रविंद्र बहादुर सिंह यथा नाम के अनुसार अपने दायित्वों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यही कारण है कि सोरों में जुआ सट्टे का कार्य अमरवेल की तरह फल फूल रहा है। आस्था की नगरी से जो सट्टे से वीडियो वायरल हो रहा है, वह इंस्पेक्टर साहब रविंद्र सिंह बहादुर के लिए किसी शर्मनाक करतूत से कम नहीं है। आलम यह है कि सोरों की धार्मिक नगरी के गली मोहल्ले में सट्टा जुआ का कार अमरवेल की तरह फल फूल रहा है। यह तस्वीर बदरिया की है, जो मिठाई की दुकान पर खुलेआम सट्टा लिख रहा है। साथ ही कैमरे में कैद करने वाले युवक का आरोपी सट्टा संचालक प्रभात सेवा करने की बात भी करने लगा है। प्रभात, यहाँ पर जब मिठाई दुकान में सट्टे बाजे में सट्टा लगवा रहे हो, किन की दुकान है ये? दूसरे की दुकान है। अच्छा, आप नहीं बैठे थे यहाँ पे? नहीं, मैं बैठा था यार। हाँ, जरा मजदूरी में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, कितने रुपए काम दूसरे का है? किसका काम है ये? काम नेमपाल का और महेश का है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बसंत नगर के। ये नेमपाल और बसंत दो ये कब से काम कर रहे हैं ये लोग? ये मुझे मालूम नहीं, कितनी साल हो गए इन्हें काम करते हुए? मुझे नहीं मालूम ये बात, ये मुझे 10 दिन से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। कितने रुपए देते हैं तुम्हें? मुझे 100 रुपए रोज, वो 150 रुपए रोज मिलते हैं सट्टा लगवाने के खाली। मैं नौकर आदमी। तो यहाँ कहाँ कहाँ के लोग आते हैं लगाने के लिए? बहुत दूर शोरों के आते हैं, आसपास के भी आते हैं गांव के? आसपास के गांव के नहीं। नाम पूछने पर बता रहा है कि इसका मालिक महेश मौर्य और नेमपाल मौर्य है, जो कि भम्मी नगर और बसंत नगर के रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब के रहमो करम पर खुलेआम सरकारी दुकानों की तरह सट्टा लगवाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सोरों के कस्बे में सट्टे के कारोबार को लेकर कई जानें भी चली गई हैं, लेकिन इनके खौफ के आगे आम जनता तो दूर, पुलिस भी मौनी बनकर सट्टे गेम को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इस संदर्भ में नवागत SP मनोज कुमार सोनकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मीडिया कर्मियों के माध्यम से संज्ञान में आया है। कोतवाल रविंद्र कुमार को सट्टा कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी आपके द्वारा मेरे को संज्ञानित किया गया है कि सोरों की एक वीडियो है जो कि कई दिन पुरानी है, तो इस संबंध में मैंने थानाध्यक्ष से पूछताछ किया है और थानाध्यक्ष को हिदायत किया है कि इस संबंध में वीडियो को देखें और करके उसका परीक्षण करें। परीक्षण करके जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर जो लीगल कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाएं।